नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रेलवे के द्वारा निकाली गई अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म है वो आपको किस प्रकार भरना है। बहुत से कैंडिडेटों का कहना था कि सर हमें रेलवे की जो अभी अप्रेंटिसशिप का निकली है उसका फॉर्म फिलिंग की वीडियो चाहिए, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी है। फ्रेंड्स, रेलवे WCR से जो अप्रेंटिसशिप निकली है 2020 रिक्रूटमेंट, जिसकी जो पूरी जानकारी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है लिंक। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप, ये मेरी ऑफिशियल साइट है टेक्निकल MCQ के नाम से, वहाँ पर आ जाएंगे। आपको करना क्या है, नीचे आना है, पूरा जो आपका ये पूरी में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाती है। टेक्निकल MCQ नाम से मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ITI से रिलेटिव जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ज़रूर से एक बार विजिट करना है। तो जैसा कि आप ऊपर ही देख रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो ऊपर ही आ जाते हैं, रेलवे WCR अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2020। फ्रेंड्स, आपको रीड मोर पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये अप्रेंटिसशिप की जो पूरी डिटेल है वो आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी वैकेंसी की वो है 1273, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन राजस्थान है। फ्रेंड्स, 10वीं ITI पास WCR से निकली है। फ्रेंड्स, ये सैलरी आपकी चेक्ड एडवर्टाइजमेंट पर मिल जाएगी। सिलेक्शन मोड आपको मेरिट के आधार पर है, मतलब आपके 10th और ITI के एग्रीगेट मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो जब ग्रुप डी की परीक्षा होती है तो आपको 20% आरक्षण मिलता है, तो इसलिए आपको अप्रेंटिसशिप, अगर आपने कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको अप्रेंटिसशिप जरूर करना है। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो आप चले जाएंगे MP ऑनलाइन के वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो एक सेक्शन है हमारा सेवाएं कर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेवाएं पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर बता देगा, आपको यहाँ पर इसे हटा देना है। जैसा कि मैं हटा देता हूँ इसे, ओके क्लिक कर देना है आपको। यहाँ ओके मैंने क्लिक कर दी, ये आपका पूरा फॉर्म है। फ्रेंड्स, अब आप देख लें ध्यान से आपको क्या क्या भरना है। ये आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप का फॉर्म है। जैसे मैं यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं फिटर से डाल रहा हूँ। जो भी आप ट्रेड से डालेंगे फॉर्म, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने फिटर पर क्लिक कर लिया, फ्रेंड्स अपडेट होगा। आवेदक का पूरा नाम भरना है फ्रेंड्स आपको, उसके बाद आपका पति का नाम, या अगर आपके पति हैं, आप मैरिड हैं तो आपको पति का नाम लिखना है, तो पिता का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपको आपका जेंडर क्लिक करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका राष्ट्रीयता इंडियन पहले से बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट है। उसके बाद आपका धर्म रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू है तो हिंदू पर क्लिक करना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपका है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ डालना है, 10th के अनुसार 10th की मार्कशीट पर जो आपकी जन्म तिथि है वो यहाँ पर आपको डालना है। ईमेल डालना है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल होना चाहिए, चालू होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर OTP जाएगा, वेरीफाई होगा। फ्रेंड, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है जो चालू हो। उसके बाद आपको जाति, आपकी कास्ट डालना है, UR है तो UR, अन्य पिछड़ वर्ग OBC है तो OBC, अनुसूचित है तो अनुसूचित, जनजाति है तो जनजाति, ST पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या, आप शारीरिक रूप से विकलांग है, मतलब हमारे डिसेबिलिटीज पर्सन है PWD वाले, तो अगर यस हाँ है तो हैं आप तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, मृत सैनिक के बच्चे, युद्ध के समय मारे गए, यहाँ भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, सेवारत अधिकारियों के बच्चे, भूत, यहाँ पर आपको नो सभी पर नो पे क्लिक करना है। व्यक्तिगत पहचान चिन्ह में आपको दो व्यक्तिगत आपके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो यहाँ पर आपको डालना है पहचान के लिए, वेरिफिकेशन के समय आपका सबसे पहले यही चेक होंगे। उसके बाद आपके बाद पता, वर्तमान पता आपको यहाँ पर डालना है, राज्य सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, वर्तमान पता करना है, निकटतम रेलवे स्टेशन आपको यहाँ डालना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद जो कॉलम आएगा क्वालिफिकेशन का, शैक्षणिक योग्यता में तो परीक्षा का नाम, यहाँ पर आपको 10th सेलेक्ट करना, यहाँ पर पहले आपको 10th सेलेक्ट करना है, उसके बाद ITI, अगर आप ITI करते हैं तो आप डायरेक्ट ITI भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप 10th सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाएगा कि विषय की प्रस्तुत, मतलब यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपको देना है आपके विश्वविद्यालय, मतलब बोर्ड का नाम डालना है। जैसे मेरा MP बोर्ड है तो मैं MP बोर्ड दूंगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ डालना है आपको। पात्रता परीक्षा तिथि डालना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पास डालना है। ठीक है, उसके बाद कुल अंक कितने आए थे, प्राप्त अंक, कुल अंक जैसे मेरे 600 थे, कितने प्राप्त करा मैं यहाँ पर आपको पूरा डालकर भी बताऊंगा, परसेंटेज अपने आप ले लेगा। उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है जिससे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर टिक जरूर कर देना घोषणा पत्र पर,
और ये जो कैप्चर है 3+1 कितना होता है, यहाँ आंसर में आपको 4 लिख देना है और सबमिट कर देना है। पहले मैं एक बार पूरा फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आगे क्या करना है वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैंने अपनी पूरी जानकारी भर ली है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको ये जो ऑप्शन है हमारा श्रेणी में, इनमें से कोई नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यक्तिगत चिन्ह बताना है। उसके बाद आपके जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता पूछेगा, तो पहले आपको 10th सेलेक्ट करना। मैंने यहाँ ITI कर लिया था, तो यहाँ पर आना आप और यहाँ पहले 10th करना, उसके बाद आपको पूरी जानकारी देना 10th की। और ये प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये जैसा मेरा ऐड हुआ है वैसा आपका ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपलोड इमेज करना है, वो भी किस फॉर्मेट में, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। यहाँ पर से आप पता कर सकते हैं, जैसे कि हम चलते हैं तो फ़ोटो अलग करना है। उसके बाद नीचे आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर फ्रेंड्स। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जैसे कि मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है फ्रेंड्स, इसके नीचे सिग्नेचर भी आएंगे। मेरे पास ये फ़ोटो थी तो मैंने यही करी है आपको बताने के लिए केवल। जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं आप, तो इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा, फिर आपको सबमिट करना है OTP। उसके बाद आपका 10th और ITI की मार्कशीट अपलोड होगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट ये ऑप्शंस यहाँ पर सारे हैं। उसके बाद आपको एक बार कंफर्म करना आपकी डिटेल वो सही डाली है कि नहीं आपने। ये आपने ये जैसा कि देख रहे हैं 170 रुपये पे आ गया है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट होने लगेगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आगे भी मैं जितने भी फॉर्म भरूँ वो आपको सारी जो है वो लिंक जो है नोटिफिकेशन वो प्रोवाइड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।